Suppose we talk about C2H4, that is ethene. Now in case of ethene, although यहां पर आपको hybridization का phenomena भी include करना पड़ेगा, but I am just talking about the nature of bond, sigma bond कितने, pi bond कितने, that kind of questions are commonly asked. Ethene molecule के बारे में common question बन जाता है, how many sigma and pi bonds are present in it? One sigma and one pi, ये तो carbon atoms के बीच में है. यदि मैं पूरे molecule की बात करता हूं, तो यहां पर total 5 sigma bonds होंगे, because CH bond will also be counted. Molecule की यदि हम बात करेंगे, तो इस bond को भी आप count करेंगे as a sigma bond. So total these 4 bonds are sigma bonds. Double bond में एक bond sigma और एक bond pi bond के form में होगा. So that way we have total 5 sigma and 1 pi bond. Similarly we can have the example of ethyne, which is also called as acetylene. Acetylene or ethyne has this kind of bonding. Once again, single bonds are always sigma, triple bond has one sigma and two pi bonds. So that way the total number of sigma bonds in the molecule will be 3 and the total number of pi bonds in the molecule is 2. 3 sigma, 2 pi. इसी तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड. ऑल्दो दीज थिंग्स विल बी वेरी एलिमेंट्री थिंग्स व्हेन ग्रेजुअली वी प्रोसीड इन द अदर मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑल. तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को आप देखें, स्ट्रक्चरली इट इज लाइक दिस. All the sigma bonds will be counted as, all the single bonds will be counted as the sigma bonds, and the double bond will have one sigma and one pi. So this way, in the molecule of acetic acid, 7 sigma bonds are present and one bond is pi bond. You can take any kind of examples. Is par bhi aap ek achhi practice bana sakte hain. अपने हिसाब से कोई भी एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करिए, उसमें आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स प्लेस कर लीजिए, और वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब आप बॉन्ड्स प्लेस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैन बी डिटरमाइन. रिमेंबर इट वेल, सिग्मा और पाई बॉन्ड कहां कितने होंगे इसको लेकर नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आर बींग आस्ड. क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड. हमें लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करना, डिटरमाइन करना, बट ऐसी चीजों में भी मिस्टेक्स होती हैं जहां हमें केयरफुल रहना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट बेंजीन, यदि मैं कहूं कि बेंजीन के टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं, मोस्टली ये होता है स्टूडेंट्स को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला याद होता है. बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, और हमने आंसर दिया 6 सिग्मा 3 पाई, विच इज रॉन्ग. आंसर 6 सिग्मा 3 पाई रॉन्ग है, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते वक्त आप भूल रहे हैं कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम भी तो बॉन्डेड है, और वह सिंगल बॉन्डेड होगा, मतलब दोज बॉन्ड्स विल बी सिग्मा बॉन्ड्स. सो दैट वे बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 12 होंगे, पाई बॉन्ड्स ऑफकोर्स 3 होंगे. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ऐसी चीजों में भी हम मिस्टेक्स कर सकते हैं यदि हम केयरफुल ना रहे तो. तो वी हैव टू बी केयरफुल इन इवन इन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स. दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब मैं आपको ग्रेजुअली आगे लेकर चलता हूं, जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक सेकेंड पार्ट इंक्लूड करेंगे. तो वॉट एग्जैक्टली इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, आइए देखते हैं इस थ्योरी का सेकेंड पार्ट क्या है. बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. मैं आपको इस थ्योरी के बारे में कुछ और बताने के पहले
मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूं, थोड़ा इन बातों को ध्यान से देखिए आप। CH4 दैट इज मीथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। वीबीटी में हम मेनली फोकस कर रहे हैं सेंट्रल एटम के बारे में, यानी कार्बन इज द सेंट्रल एटम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखें ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, 2px1 2py1 एंड 2pz0। मैं एग्जैक्टली वीबीटी फॉलो करते हुए यदि चीजों को चेक करूंगा तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीबीटी मैंने फॉलो करनी है, कार्बन को सबसे पहले तो टेट्रावेलेंट प्रूव करना है। वीबीटी का एक पॉइंट था हमारे पास, ओवरलैपिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करेगा, वैलेंस शेल का ऐसा ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हियर? यस, देयर आर 2, बट आप जानते हैं कि मीथेन में कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड कार्बन इज अ वेल नोन टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट यदि है तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन ये कैसे करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अनपेयर्ड अवेलेबल नहीं है यहां पर। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वॉज दिस, कई एलिमेंट्स में वैलेंसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। उनको लेकर वीबीटी ने एक सॉल्यूशन निकाला कि ऐसे केस में क्या होता है कि एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़िए एक एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब द एटम्स नाउ बिकम रेडी फॉर बॉन्डिंग। जब वो बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है तो क्या होता है, उसका 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट को अचीव करते हुए 2p ऑर्बिटल में प्रमोटेड बताया जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी, हाउ कैन वी प्रूव कार्बन टू बी टेट्रावेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी? या इस तरह की सिचुएशन कहीं पर भी आएगी कि एक एलिमेंट को जितने बॉन्ड बनाना है, एक एटम को जितने बॉन्ड बनाना है, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे अवेलेबल होंगे? वीबीटी ने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। एक्साइटेड स्टेट अचीव करके एटम अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बट स्टिल वी हैव वन मोर प्रॉब्लम। अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। देखिए, यदि मैं मान लूं कि कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इन 4 ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज करता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स वी हैव, इन 4 हाइड्रोजन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, 1s ऑर्बिटल में। ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। कार्बन यूज करेगा अपने इन ऑर्बिटल्स को, हाइड्रोजन एटम्स यूज करेंगे अपने इन ऑर्बिटल्स को, ओवरलैपिंग हो जाएगी, 4 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर अभी तक कोई दिक्कत नहीं, पर एक प्रॉब्लम है यहां पर, और वो ये कि यदि हम अब बॉन्ड पैरामीटर्स पर जाएंगे तो चारों बॉन्ड की वैल्यूज फॉर द बॉन्ड लेंथ, फॉर द बॉन्ड एनर्जी एक्सेट्रा एक जैसी नहीं होगी। सोचिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन में बॉन्डिंग डायरेक्टली बताएंगे तो एक ओवरलैपिंग दोनों के एस ऑर्बिटल के बीच में होगा और बचे हुए 3 ओवरलैप एस और पी ओवरलैप टाइप के होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, एक एसएस ओवरलैप और बाकी के 3 एसपी ओवरलैप होंगे। डोंट यू थिंक कि चारों बॉन्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आएंगे? ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पर बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सो अल्टीमेटली द 4 बॉन्ड्स विल नॉट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात और, यदि हम एक रिवर्स मैनर में चीजों को देखें, रिवर्स मैनर में मतलब मीथेन मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है, उधर VACPR थ्योरी के बेसिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके। यदि मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है तो फिर इनके ऑर्बिटल ओरिएंटेशन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
उनसे आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे प्रूव करेंगे? आई रिपीट, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप एक बार और सुने, पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर ओरिएंटेड वन एज कंपेयर्ड टू वन अनदर, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जब ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो तीन एटम्स की पोजीशन तो हाइड्रोजन एटम्स की एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, और एक स्फेरिकल सिमेट्री वाले ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ और ही ओरिएंटेशन देगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यदि मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि यहां पर ऑर्बिटल डायरेक्टली ओवरलैपिंग में इस तरह से इन्वॉल्व होंगे तो हम चारों बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, मॉलिक्यूलर शेप को प्रूव नहीं कर सकते। ऑब्जर्व्ड फैक्ट इज द बॉन्ड एंगल्स आर ऑल सेम। मीथेन में बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट है, चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, ऑल फोर बॉन्ड्स हैव द सेम बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, लेकिन यहां पर एक बॉन्ड अलग और बाकी तीन अलग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फैक्ट या प्रैक्टिकली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके लिए वीबीटी में कंसीडर किया गया अ फेनोमेना कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, द फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको सबसे पहले मीथेन का एग्जाम्पल सामने है तो हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, फिर बाकी टाइप्स की भी हम ग्रेजुअली बात करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि हम हाइब्रिडाइजेशन फेनोमेना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जस्ट लिसन द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ कंपेरेबल एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स। इतना पार्ट में एक बार फिर बोल रहा हूं, द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विथ एग्जैक्टली सेम एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए। यदि एक एटम में बॉन्डिंग पर्पस के लिए आप उसके लगभग एक जैसी एनर्जी वाले, कंपेरेबल एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करें और उतने ही नए ऑर्बिटल्स एक जैसे शेप वाले और इक्वल एनर्जी वाले फॉर्म करवाते हैं तो यह फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन होता है। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी ने इस फेनोमेना को इंक्लूड किया। मिक्सिंग अप में जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के वेरियस टाइप्स होते हैं। वन ऑफ द टाइप्स इज एसपी, अनदर इज sp2, स्टिल अनदर इज sp3। एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे, सो द डिटेल्स अबाउट dsp2 विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। ये जो टाइप मैंने लिखे हैं या जो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा उसमें अंडरस्टूड होगा कि एक एटम यदि अपना s और p, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व करता है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करता है तो द टाइप विल बी कॉल्ड एज sp। उसी तरह sp2 मींस वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग प्रोसेस। sp3 मतलब एक एस और तीन पी ऑर्बिटल यहां पर इन्वॉल्व है, मतलब टोटल फोर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है उसमें कौन सा कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका परसेंटेज कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ s एंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ p, तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनमें भी परसेंटेज कैरेक्टर इसी के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा कुछ टाइप्स आप और देखिए, sp3d
और DSP3 ऑल्सो. वंस अगेन ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर कवर अप होता है. स्टिल अनदर टाइप इज SP3D2 और D2SP3. यस दे हैव अ स्लाइट डिफरेंस. ऑल्दो ये सारी चीजें आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बॉन्डिंग के वक्त पढ़ेंगे बट इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ऐसे और ऐसे लिखने का मतलब है कि यहां पर जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो आउटर मोस्ट शेल वाला होगा और जब लिखने का तरीका DSP3 होता है तो जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व फॉर बॉन्डिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल होता है ये पेनल्टीमेट शेल से होता है सेकेंड लास्ट शेल से. सिमिलर सिचुएशन हियर. अदर देन दैट वी हैव वन मोर टाइप SP3D3. ये वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स हैं. इनमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं अभी SP3. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं SP3 का मैटर क्योंकि आपके सामने है मीथेन की प्रॉब्लम. हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखें. मीथेन में क्या प्रॉब्लम थी क्या सॉल्यूशंस थे एक बार फिर हमारे सामने आ रहा है. वी आर नाउ टेकिंग द डिटेल्स ऑफ SP3 hybridization. द एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड टू एक्सप्लेन दिस टाइप इज ऑफ मीथेन. हम मीथेन को लेकर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में. थिंक अबाउट एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स. आई एम राइटिंग द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन. आई एम शोइंग द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन. एज यू नो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हैज 1s2, 2s2 एंड 2p2 configuration. एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन. हमने कुछ देर पहले बात की कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 जिससे इसकी टेट्रावेलेंसी प्रूफ नहीं हो रही है. टेट्रावेलेंसी प्रूफ करने का क्या तरीका है फिर एक्साइटेड स्टेट. यस तो आइए देखें एक्साइटेड स्टेट क्या होगी. वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल बी कंसीडर्ड टू बी नाउ इन 2p. ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन के लिए है. अब आप फिर से इस ऑर्बिटल पिक्चर को देखें ध्यान से. 2s को मैंने एनर्जी वाइज नीचे बताया है 2p को एनर्जी के हायर साइड में बताया गया है. द थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ द 2p सबशेल आर डीजनरेट. अब इसीलिए इनको तो सेम लेवल पर मैंने शो किया है. पी ऑर्बिटल शेप वाइज डंबल शेप्ड. एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल यानी इनके शेप्स अलग है ओरिएंटेशंस अलग है एनर्जी अलग है. लेकिन जब बॉन्ड बनता है कार्बन जब 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मीथेन में तो चारों बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक समान है. व्हाई बिकॉज बिफोर बॉन्डिंग हम कंसीडर करते हैं कि ये ऑर्बिटल्स कार्बन में इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ये एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है. जस्ट केयरफुली लुक एट द सिचुएशन. मैंने क्या किया 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स को वहीं रखा है एट द सेम एनर्जी लेवल. इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू VBT दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. और उसमें भी 2s और 2p जो डिफरेंट एनर्जी वाले थे नाउ दे मिक्सअप. एनर्जी वाइज ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहां जो मैंने अब 4 ऑर्बिटल्स शो किए हैं डायग्रामेटिकली आप इन चीजों पर भी फोकस करिए कि इनका लेवल मैंने एस से ऊपर पी से नीचे बताया है. ऑल 4 ऑर्बिटल्स नाउ गेट इक्वल एनर्जी गेट द लेवल ऑफ इक्वल एनर्जी. यदि सेम एनर्जी लेवल पर ये होंगे
और अब इनकी ओरिएंटेशन वाइज भी ये सिमेट्री गेन करेंगे, तो सिमेट्री कैसे होगी ये भी चेक करें आप। सपोज एस ऑर्बिटल इज शोन लाइक दिस, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एंड द पी ऑर्बिटल्स आर शोन अलोंग द थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस। ये सब कुछ इंटरमिक्सिंग के बाद क्या सिचुएशन डेवलप करता है, वी शैल गेट फोर न्यू ऑर्बिटल्स। ये फोर न्यू ऑर्बिटल्स है, चारों जो नए ऑर्बिटल है ना तो अब ये एस है ना पी है, बल्कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट होते हैं। हर नया ऑर्बिटल 25% एस कैरेक्टर के साथ होगा और 75% पी कैरेक्टर के साथ होगा, इसलिए हर नए ऑर्बिटल को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, जैसा कि मैंने कहा कि ये एनर्जी वाइज सेम लेवल पर है। नॉट ओनली एनर्जी वाइज दे आर एट द सेम लेवल, बट इनका ओरिएंटेशन भी सिमेट्रिकल होता है लाइक दिस। ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है पूरा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिमेट्री एक बनाए हुए हैं, एक ओरिएंटेशन उनका सिमेट्रिकल है। इनफैक्ट ये जो ओरिएंटेशन है ये टेट्राहेड्रल ही है। 25% एस और 75% पी कैरेक्टर होता है, जहां फोर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनका सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन जब डेवलप होता है तो ये ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव मीथेन एज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखिए, दिस इज द सेंट्रल एटम कार्बन, इट्स फोर ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बीइंग शोन। ये जो स्मॉलर रीजन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी रीजन, कहां कितनी प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब मिक्सिंग अप हुआ है तो हर ऑर्बिटल में 25% एस कैरेक्टर है और 75% पी कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि नाउ इट इज नीदर स्फेरिकल नॉर डंबल शेप्ड, इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। सो इट हैज 25% एस कैरेक्टर मींस स्फेरिकल सिमेट्री एंड 75% पी कैरेक्टर दैट इज डंबल शेप्ड। अकॉर्डिंगली यहां पर स्मॉलर रीजन जो अनइक्वल साइज के लोब्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वी हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड एंड वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर साइड। तो ओवरलैपिंग किस तरफ बतानी चाहिए, जिस तरफ ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो। यहां पर मैं हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप्ड बता रहा हूं। दीज आर द पोजिशन ऑफ फोर हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से यह पूरा मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट्स के साथ होता है। मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो यहां पर अब इस पूरे फेनोमेना के थ्रू वेल प्रूव भी होता है, और जहां मैं बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहा था वो भी यहां पर वेल प्रूव होती हैं। कैसे प्रूव होती हैं? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चारों ऑर्बिटल एक जैसे एनर्जी वाइज शेप वाइज सिमेट्रिकली ओरिएंटेड। तो जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, ऑल फोर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। तो इस बार आप क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग किस टाइप की है चारों बॉन्ड में, sp3 s ओवरलैप। कार्बन यूज कर रहा है अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन यूज करता है अपना s ऑर्बिटल। चारों ओवरलैपिंग एक समान, इसलिए ऑल फोर बॉन्ड्स विल हैव आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। चारों की लेंथ एक जैसी है, चारों की बॉन्ड एनर्जी एक समान है। सो दिस एक्सप्लेन्स वेल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन वी कैन हैव वन मोर एग्जाम्पल। मैं कार्बन कंपाउंड अल्केन, नेक्स्ट होमोलॉग इथेन कंसीडर करता हूं।
अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इथेन का दोनों कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का कैसे डिटरमाइन करना है ये आप ग्रेजुअली आगे टॉपिक को पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ एनी एटम। फिलहाल मेरी बात को फॉलो करिए, इथेन हैज बोथ द कार्बन इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। सो इफ आई आस्क यू अबाउट इट्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, आप कैसे ड्रॉ करेंगे इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कैसा मॉलिक्यूल होगा, कैसे ओवरलैपिंग होंगे, क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं? तो ट्राई करिएगा। C2H6 में यहां पर जो दोनों कार्बन की स्टेट बताई गई है आइडेंटिकल होगी sp3, मतलब देर इज नो चेंज इन दिस पार्ट, दोनों कार्बन इसी तरह की कंडीशन में है, देर इज नो चेंज इन दिस पार्ट ऑल्सो। बस अब हमें ध्यान देना है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथेन का कैसे बनेगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में इस बार आपको लेना होगा दो कार्बन जो आपस में भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये वन ऑफ द फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसके कारण इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ। इसी तरह थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन दे ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। द सिचुएशन इज लाइक दिस, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। यू कैन सिंपली इमेजिन अबाउट द मॉलिक्यूल। देखिए हमने क्या किया, एक बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों के कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? sp3 sp3। सो द ओवरलैपिंग दिस वन जो इस बॉन्ड को फॉर्म करवा रहा है बिटवीन द कार्बन इज sp3 sp3 ओवरलैप। बचे हुए थ्री ओवरलैप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, sp3 s ओवरलैप। इधर भी इसी तरह sp3 s ओवरलैप। ये पूरा ऑर्बिटल डायग्राम है और ये एक सिंपल वे में हमने बॉन्डिंग बताया। शेप को लेकर यहां आपको बहुत केयरफुल रहना है। एक कार्बन के आसपास फोर एटम्स जो बॉन्डेड है, वन इज कार्बन एंड थ्री आर हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी वही कंडीशन, जो फोर एटम्स इसके साथ बॉन्डेड है, वन कार्बन थ्री हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। मैं पूरे मॉलिक्यूल का एक कोई शेप नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमें बोलना पड़ेगा यहां पर कि हर एक इंडिविजुअल कार्बन के आसपास फोर बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। एंड व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल? बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ये अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को आप यहां टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। जब भी इस तरह के पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली मतलब मेनी, न्यूक्लियर जहां सेंट्रल एटम बहुत सारे हो, वहां पर आप पूरे मॉलिक्यूल के शेप की बात नहीं करते हैं, वहां आप बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल एटम के आसपास जो जो एटम्स बॉन्डेड हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा। जितने भी अल्केन्स होते हैं, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कार्बन जब अदर एटम्स के साथ में सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाता है, यानी हम हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स की बात कर रहे हैं यदि, तो ऑल अल्केन्स विल हैव कार्बन एटम्स इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। कार्बन में ही अदर हाइब्रिड स्टेट्स कौन सी होती है, कब होती है, इसको लेकर टॉपिक में आगे की चीजों में आप पढ़ेंगे sp2 एंड sp हाइब्रिड स्टेट्स के साथ में। वहां पर कार्बन जब मल्टीपल बॉन्डिंग करता है तो आपको उसका sp2 या sp हाइब्रिड स्टेट कंसीडर करना होगा। बट आप किसी भी अल्केन में इथेन की तरह फर्दर बॉन्डिंग लेते हुए, जैसे आपने प्रोपेन ले लिया तो एक हाइड्रोजन को कम करिए और एक पूरा CH3 ग्रुप फर्दर इमेजिन करिए, तो 1:1 इस तरह से आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से स्ट्रक्चर्स ट्राई कर सकते हैं, कहां कौन से ओवरलैपिंग हो रहे हैं, किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। सो दैट वे
अभी जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट इंक्लूडिंग द फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया है उसमें लिया है sp3। अब आगे वाले लेक्चर्स में मैं sp2 और sp इन हाइब्रिडाइजेशन को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे इंक्लूडिंग ऑल द टाइप्स। थैंक यू।